मैं गोपाल जवेरी मुंबई मार्च से। ये जो आपने मॉडल देखा ये मुंबई मार्च की टीम ने बनाया हुआ है, दहिसर से लेके बांद्रा तक का वेस्टर्न जोन मॉडल है, डेवलपमेंट प्लान 2034 का। बेसिकली ये मॉडल्स तो 1967 का जो डीपी प्लान है, उसके बाद 1991 का डीपी प्लान और ये अभी का डीपी प्लान, सारे में मुंबई के जो रोड्स का ब्लॉकेजेस है कि रोड्स आर द आर्टरीज हमारे बॉडी के अंदर जैसे, और इसके अंदर सर्टन 35% रोड्स आर टोटली ब्लॉक्ड बिटवीन द बांद्रा एंड बोरीवली, जिसके कारण जो ट्रैफिक का कंडीशंस है वो वर्स्ट हो चुकी है। आज दुनिया का जो ट्रैफिक है बड़े सिटीज का 30 किलोमीटर पर आवर घूम रहा है, मुंबई 7 किलोमीटर से दौड़ रहा है, दौड़ तो नहीं रहा है रेंग रहा है मैं बोल सकूंगा, और इसके कारण सिर्फ टाइम का नुकसान तो हो ही रहा है, इसको छोड़ के फ्यूल का, जो सारा फ्यूल हम इम्पोर्ट कर रहे इसका डायरेक्टली इंडियन फाइनेंशियल स्टेटस पे, क्योंकि सारा हम लोग डॉलर्स में पैसा दे रहे। एक हिंदुस्तान टाइम्स का रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ गोरेगांव और दहिसर के बीच में स्टैंडस्टिल कंडीशन में रोज 30 लाख रुपए का खाली फ्यूल स्टैंडस्टिल कंडीशन में जा रहा है। तो यू कैन जस्ट अज्यूम कि बिटवीन बांद्रा टू दहिसर और पूरा मुंबई के अंदर कितना फ्यूल, और ये फ्यूल के कारण जितना भी नुकसान हो रहा है वो एयर पॉल्यूशन का हो रहा है, और वो एयर पॉल्यूशन के कारण हमारी हेल्थ और हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज जो हो रहे हैं उसके बारे में हम यहाँ देखना चाहते हैं। अभी एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि दहिसर से लेके बांद्रा के बीच में फिलहाल 3 रोड हम जानते हैं, हाईवे, एसवी रोड और लिंक रोड, पर बेसिकली इसको छोड़ के भी और 3 रोड है, और वो 3 रोड जो है वो कई जगह पे डिफरेंट एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, बेसिकली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कहीं पे मिलिट्री का लैंड है तो कहीं पे एयरपोर्ट अथॉरिटी का लैंड है, इसको छोड़ के स्लम्स और प्राइवेट प्रॉपर्टीज जो इसको ब्लॉक कर रही है, जिसका लास्ट 50 साल में इसके ऊपर काम नहीं हुआ, जिसके कारण मुंबई की ये ट्रैफिक कंडीशन है, इसको छोड़ के जो कोस्टल रोड जो अभी नया बन रहा है उसको एक पैरेलल रोड जो डीपी प्लान में है, और वो रोड को भी अगर सर्टन ब्लॉक्स ओपन कर दे तो इमीडिएटली हम ये पूरा रोड्स को स्टार्ट करवा सकते हैं, जो डेफिनेटली जू या बांद्रा से लेके सीधा वो कनेक्ट हो सकता है गोराई तक बोरीवली का। तो और इसको छोड़ के बहुत सारे स्मॉल रोड्स है जो स्टेशन के आजू बाजू के एरिया में या बांद्रा टर्मिनस के आजू बाजू के एरिया में कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के बैक साइड में, ये अगर सारे रोड्स खुल जाते हैं और इसको प्रॉपरली हम प्लान आउट करके इनकी बॉटलनेक को ओपन कर देते हैं, तो मुंबई का ट्रैफिक, आई एम प्रॉमिसिंग ऑन बिहाफ ऑफ मुंबई मार्ग कि 35% जो रोड ब्लॉकेजेस है वो ओपन हो जाएंगे, और इसके कारण डायरेक्टली 50% ऑफ मुंबई का जो ट्रैफिक है वो नॉर्मलसी पे आ सकता है। सो प्लीज ज्वाइन अस ऑन 2 अक्टूबर, वी आर लॉन्चिंग दिस प्रोजेक्ट, और ये फिर कंटिन्यूसली हमारी रोड मार्च है मुंबई की, मुंबई के रोड्स के लिए, मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो ऑन 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन हम एक और मार्च के लिए बी रेडी फॉर द रोड मार्च। थैंक यू।